एचएसएससी भर्तियों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है साथियों। एचएसएससी में हरियाणा पुलिस की भी नई भर्ती आ रही है। इसके बारे में चेयरमैन भोपाल सिंह जी ने बड़ी घोषणा कर दी है और एचएसएससी की भर्तियों में कुछ बदलाव भी किया जा रहा है। चेयरमैन जी का इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। कल शाम को एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती और एचएसएससी क्लर्क वेटिंग को लेकर दो नए नोटिस जारी किए गए थे। अगर आपने अभी तक वो नोटिस नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भोपाल सिंह जी जो एचएसएससी चेयरमैन हैं उनने क्या बड़ी घोषणा की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब अंतिम परिणाम के साथ ही जारी करेगा विस्तृत परिणाम, यानी कि साथियों डिटेल रिजल्ट अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ ही जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब नई भर्ती के बारे में और जो बाकी बची हुई भर्तियों के बारे में भोपाल सिंह जी ने क्या कहा है ये खबर विस्तार से देख लेते हैं। अभी तक 80,000 से ज़्यादा भर्तियां हुई, 25,000 से ज़्यादा की प्रक्रिया शुरू। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिन ही विस्तृत परिणाम जारी करेगा। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि अभी तक अंतिम परिणाम के 2-3 सप्ताह बाद विस्तृत परिणाम जारी होता है। इससे उन अभ्यर्थियों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी जो अभी परिणाम घोषित होने के बाद अपने विस्तृत अंकों का इंतजार करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका चयन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आयोग पहले ही योग्यता के आधार पर 80,000 से ज़्यादा भर्तियाँ कर चुका है। उन्होंने कहा कि 25,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि आयोग का काम चयन कर सूची हरियाणा सरकार को सौंपने का है। इस चयन सूची में किस उम्मीदवारों को किस विभाग में भेजा जाएगा यह काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करेगा बल्कि मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। सरकार ने मानदंड बनाए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार विभागों का बंटवारा होगा। उन्होंने बताया कि अगर वेटिंग लिस्ट में से उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी है तो वह काम भी मुख्य सचिव कार्यालय ही करेगा। आयोग का विभागों के आवंटन से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से क्लर्क वेटिंग भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ही क्लियर करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवारों को यह लगता रहता है कि प्रस्तावित आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों पर आयोग ने शायद कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए फाइनल आंसर की भी अब अंतिम परिणाम के दिन ही अपलोड करने का फैसला किया है। यानी कि साथियों, इससे पहले एचएसएससी के द्वारा आंसर की तो जारी की जाती थी लेकिन उसके ऊपर जब ऑब्जेक्शन उठाया था तो उसके बाद फाइनल आंसर की जारी नहीं की जाती थी। अब एचएसएससी जो फाइनल रिजल्ट डालेगा उसी दिन फाइनल आंसर की भी अपलोड कर देगा। अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक लिखित परीक्षा के बाद आंसर की अपलोड कर उस पर दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसके बाद आपत्तियों को परीक्षकों को भेज दिया जाता है और अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाता है। फिर भी उम्मीदवार के मन में आशंका बनी रहती है कि उन्होंने कहा कि इस आशंका को दूर करने के लिए अंतिम परिणाम के दिन ही फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। फाइनल आंसर की वाली अच्छी पहले साथियों चेयरमैन साहब की, और अगर ऐसा रियल में होता है तो कई साथी कोर्ट जाने से बच जाएंगे। वेटिंग लिस्ट भी मेरिट आधार पर जारी की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि आयोग जिस तरह मेरिट आधार पर चयन सूची जारी करेगा उसी आधार पर वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा, यानी वेटिंग लिस्ट में कुल नंबरों के आधार पर क्रम रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अभी तक ऐसा कहीं नहीं होता है, केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मेरिट क्रम के अनुसार अंतिम परिणाम घोषित करेगा। उन्होंने बताया कि तीन बातें नई जोड़ी गई हैं, अंतिम परिणाम मेरिट क्रम में होगा, उसी दिन विस्तृत परिणाम यानी उम्मीदवारों की तरफ से प्राप्त कुल अंक जारी होंगे, उसी दिन फाइनल आंसर की जारी होगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी और ज्वाइन करते समय सभी उम्मीदवारों को अपनी मेरिट सार्वजनिक तौर पर पता भी रहेगी। चलिए अब नई जो भर्ती है हरियाणा पुलिस के अंदर उसके बारे में चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने खुलासा किया कि हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में पुरुष सिपाही के 369 पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी मगर बाद में इन पदों को 2017 में वापस ले लिया गया था। अब इन पदों पर दोबारा से भर्ती शुरू होने जा रही है।
साथियों चेयरमैन साहब ने बड़ी खुशखबरी भेजी है। ऐसी ही खुशखबरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।